गणपतये नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ विश्वनाथ 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 शिव शिव विश्वनाथ 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 विश्व विश्वनाथ 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 शिव शिव विश्वनाथ 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 शिव शिव विश्वनाथ 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 विश्व विश्वनाथ 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 त्र्यंबकेश्वर विश्वनाथ त्र्यंबकेश्वर विश्वनाथ त्र्यंबकेश्वर विश्वनाथ त्र्यंबकेश्वर वैद्यनाथ 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 विश्वनाथ वैद्यनाथ 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 विश्व विश्वनाथ 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 विश्व विश्वनाथ 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 विश्वनाथ। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान विश्वनाथ जी को प्रणाम। गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। भोलेनाथ के तमाम स्वरूपों को कंकर कंकर में पत्थर को प्रणाम। तमाम ऋषि मुनि संत अरिहंत महंत देव देवी देवता आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। काशी हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी नाम की नगरी है। वहां दो नदियों का मिलन है, वारा असी, इसलिए है वाराणसी। ये अध्ययन अध्यापन का स्थान है, क्योंकि श्रुत उवाच अथ परम प्रवक्ष्यामि श्रूयताम ऋषि सत्तमाः विश्वेश्वरस्य महात्म्यं महापातकनाशनं यदिदं दृश्यते किञ्चित् जगत्यां वस्तुमात्रकं चिदानन्दस्वरूपं च निर्विकारं सनातनम्। कहते हैं कि इस पुण्य भूमि में भगवत इच्छा से जो भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं कैवल्य रति ज्ञानवान परमेश्वर की इच्छा से दूसरा सगुण रूप धारण करूं। शिव जी पुरुष और स्त्री दोनों के रूप में प्रकट हुए, जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं। चिदानंद स्वरूपाभ्याम पुरुषावपि निर्मितौ चिदानंद स्वरूपाभ्याम चित और आनंद स्वरूपों से उन्होंने पुरुष भी बनाए और चित एवं आनंद के स्वभाव से
उन्होंने प्रकृति भी बनाई। निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, ये हमारे माता पिता हैं, जगन माता है। समग्र सृष्टि की उत्पत्ति पुरुष और प्रकृति से हुई है। तुम लोग तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। प्रकृति और पुरुषों ने कहा, हे प्रभु शिव जी, कहाँ तपश्चर्या करें? तब तेज सार रूप 5 कोश का एक नगर निर्माण हुआ। 5 कोश का एक नगर निर्माण हुआ, इसलिए काशी को पंचकोशी भी कहा जाता है। उस समय जहां गंगा बह रही थी, आकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए। इस पंचकोशी का दर्शन करने के लिए भगवान के हृदय से एक मणि गिरा है। वो वस्तुतः कान से गिरा था। कान से गिर करके हृदय को स्पर्श करके नीचे गिरा। गंगा के तट पर गिरने पर उसको मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर बैठ करके जब ध्यान के साथ में इसका मृत्यु होता है, वह कभी भी पुनर्जन्म को बाध्य नहीं होता है। जो पंचकोशी नगरी हमें अपने कर्मों से मुक्त करती है, उसको काशी ऐसा कहते हैं। ये कर्म क्या है? ये कर्म हमारे हैं संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। कर्मों से मुक्ति के लिए तप करना पड़ेगा, भगवान नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। ये 3 कर्म क्या है? क्रियमाण पहला है। क्रियमाण जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, हमने अपने शिवानंद आश्रम में बहुत सारे पुष्प के पौधों को लगाया। मोगरा है, बोगन भी है, बारामासी भी है, पारिजात भी है, रजनीगंधा भी है, कनेर भी है, बहुत सारे लगाए, चंपक पुष्प भी है। अब ये जो लगा रहे हैं वो क्रियमाण है, बाद में वो बढ़ते रहेंगे। जो कर्म का बीज हमने बोया वो बढ़ता रहता है, धीरे धीरे वो बड़ा वृक्ष हो जाएगा, तब उसमें जो पुष्प खिलेंगे वो हमारा प्रारब्ध है। क्रियमाण कर्म करने के बाद में वो क्रियमाण जो जमा रहता है उसको संचित कहते हैं। वही संचित जो है भविष्य में जाकर के प्रारब्ध बन के आता है। ऐसे हमारे जो 3 प्रकार के जो कर्म हैं, कालातीत और हमारे कर्मों से भी अतीत, यह काशी नगरी है। यहाँ प्रकृति पुरुष के ध्यान से भगवान श्री शिव जी का प्रागट्य हुआ, उसको काशी विश्वनाथ ऐसा कहते हैं। कहते हैं कि वाराणसी अति पवित्र नगरी है, इसका भी अपना एक प्रभाव है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, आप मुझे काशी है उसके महात्म्य को कहें। भगवान ने कहा कि देवी, वाराणसी तो मेरा गुप्ततम क्षेत्र है, मेरा कैलाश में रहता हूँ, किंतु काशी में मैं अज्ञातवास में रहता हूँ। जो जितेंद्रिय है
जीतात्मा है, जो पुरुष है, और आत्मचिंतन महायोग के अभ्यास से करते हैं, वेदोक्त पाशुपत व्रत धारण करते हैं, उसको भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मेरे भक्त हैं उनको ज्ञान की, और कितने ही तीर्थों का स्नान दर्शन करे ना करे, किंतु यदि काशी में आकर के मरे तो इनको जीवन मुक्ति होती है। कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, साधु पृष्ठम त्वया भद्रे लोकानां सुखदं शुभं कथयामि यथार्थ वै महात्म्यं विमुक्तयोः इदं गुह्यतमं क्षेत्रं सदा वाराणसी मम सर्वेषामेव जन्तूनां हेतु मोक्षस्य सर्वदा अस्मिन् सिद्धः सदा क्षेत्रे मदीयं व्रतमाश्रिताः नानालिङ्गधरा नित्यं मम लोकाभिकाङ्क्षिणः। काशी में जहां पर भी शिवलिंग हो वो सभी में मैं हूं। देखिए, जो कोई वर्ण का भेद नहीं है यहां, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र वैश्य, जाति पाति का भेद नहीं है, सब लोग शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। वो बालक हो, वृद्ध हो, अपवित्र पवित्र हो, कन्या हो, विवाहिता हो, विधवा हो, वंध्या हो, रजो दोष युक्त भी क्यों नहीं हो, प्रसव काल में मरी हो, संस्कार वाली हो, अभद्रा हो, काशी में जप करने से, काशी में मृत्यु से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यहाँ काशी विश्वनाथ महादेव की जो सप्तमी ज्योतिर्लिंग है उनकी कथा की गई। गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा है, उसको कहा जा रहा है। सुत उवाच श्रुतया मृषेह श्रेष्ठाः कथां पाप प्रणाशिनीं कथयामि यथा व्यासात् सद्गुरुश्च श्रुता मया। मैंने अपने सद्गुरु व्यास के पास से जो कथा का श्रवण किया था, वे वो कथा आपको सुनाता हूँ, कृपया सुनिए। कहते हैं कि दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी नाम का एक स्थान रहा, वहाँ प्राचीन काल में सुप्रसिद्ध महान तपस्वी गौतम ऋषि थे। इनकी पत्नी अहल्या जी परम धर्मात्मा थे। देखिए, ये अहल्या का नाम का श्रवण करने से रामचंद्र जी महाराज ने अपने वन विचरण के समय अहल्या का उद्धार किया था। वो पत्थर बनी थी, उसको अपने चरण से स्पर्श किया था और वो शल्या अहल्या बनी, ऐसी कथाएं हैं। भगवान राम के समान दूसरा कोई मर्यादा पुरुष न हुआ है, न हो सकता है। कभी भगवान राम अपने चरण से किसी भी स्त्री को, ये तो ऋषि पत्नी है, पांव से स्पर्श कर ही नहीं सकते। गौतम और गौतमी दोनों का बहुत प्रेम था, समीपस्थ स्थान में 100 वर्ष पर्यंत अकाल हुआ, जल नहीं था, लोग तड़पते थे। आदिवासी लोग वहां आकर के एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाए। अब गौतम ऋषि जी से कहा, कृपा करके इसमें जल लाइए। गौतम ऋषि जी ने गंगा जी की आराधना की, गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु, उसमें जल आ गया। गौतम ऋषि के तप से उन तमाम प्रजाजनों को अन्न की जल की प्राप्ति हुई। देखिए,
कुछ शास्त्रोक्त पाप हैं। एक, माता पिता ने जन्म दिया उसके बाद में अरे क्या किया मेरी माता ने, है माता पिता बच्चों की कितनी ध्यान रखते हैं, खुद नहीं खा करके उनको खिलाते हैं, अपना पेट करके पढ़ाते हैं, शादियां करवा देते हैं, तब जब माता पिता का प्रति द्वेष भाव क्लेश भाव, ये पहला पाप है। दूसरा है गुरु, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अरे क्या गुरु है, हाँ रोज रात में सो जाता था मेरे पांव दबवाता था और मैं कहूँ जाओ, अरे बेटा क्या मेरे से अपने कपड़े धुलवाए रे, उनका पानी हमने भरा है, उनकी लकड़ियाँ काटी है। गुरु से ज्ञान के बाद में ऐसे कहने वाला शिष्य महापापी होता है। तीसरा है वैद्य से दवाई लेते रहो अच्छे हो जाओ, वैद्य से दवाई लेकर के अच्छे हो जाओ तो बोलो वाह हम तो सोच रहे थे कि तुम गए वो डॉक्टर बढ़िया, क्या बढ़िया है मेरी चमड़ी चीर करके पैसा ले लिया है। बताओ वैद्य से ट्रीटमेंट कराने के बाद में अच्छे हो जाने के बाद में उस वैद्य के बारे में अशुभ अश्लील, ये तीसरा पाप है। चौथा पाप है कोई सृष्टि के यहाँ आप काम कर रहे हैं, आपने काम 50 वर्ष तक किया, 15 साल की उम्र में आए थे 65 हो गए, सृष्टि ने कहा अब आपकी उम्र हुई है मेरे को लगता है आप आते जाते रहना किंतु अभी घर में रहिए हम आपको तनख्वाह तो देंगे ही देंगे, आधी तनख्वाह देते रहे, निवृत्त तो होने पर उनको 50 लाख रुपया भी दिया, आपने 50 साल तक हमारी सेवा की है। लोगों ने कहा वाह 50 लाख और पेंशन भी मिलेगा, कमाल हो, क्या कमाल है, सेठ तो सोता था नहीं, दिन रात रगड़ के मेरा खून जला दिया, ऐसे बोलने वाला वहां पापी होता है। इन पापों से मुक्ति नहीं है, पाप का मुक्ति होना पाप के भागीदार से मुक्त होना एक ही उपाय है, उनकी जाकर के क्षमा मांगे और फिर से वह पाप ना करें। अरे जिनके लिए अच्छा नहीं बोल सकते वो मत बोलो, कम से कम बुरा तो मत बोलो। ध्यान दे आप किसी के अच्छे गुणों का चिंतन करेंगे तो आप में उनके अच्छे गुण आएंगे, किंतु यदि आप किसी से दुर्गुणों का चिंतन करेंगे तो आप में उनके दुर्गुण आएंगे। जब वो बड़े घट में जला गया वो आदिवासी वनवासी लोग जंगल में रहने वाले ऋषि भी कह सकते हो, हाँ तो वो अन्य ऋषियों को जल लेने देते नहीं थे, वो स्त्रियाँ कहती थी हम ही लेंगे आपको नहीं देंगे, क्लेश होता था ऋषि मुनियों को कष्ट होता था, ऋषि मुनियों ने जा करके गौतमी जी से कहा, गौतमी अर्थात अहल्या जी से कहा, उन्होंने कहा मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं जल भर के देती हूँ और आप लोग कृपा करके सभी लोगों को जल लेने दें, जो पहले आएगा पहले ले लेगा, बाद में आएगा बाद में लेगा, क्लेश न करे, ये तो प्रभु कृपा का अमृत है, यह रिक्त होने वाला नहीं है, उसी में से गंगा वही गौतमी कहलाती है और वहाँ वो हमारे गौतम ऋषि और अहल्या के तप के कारण जो प्रभु प्रकट हुए उसे त्र्यंबकेश्वर ऐसा कहा जाता है। वैद्यनाथ की कथा वो नवमा ज्योतिर्लिंग है। रावण ने बड़ा तप किया था, रावण एक पांव पर खड़ा था, दोनों हाथ ऊपर उठा के खड़ा था, अन्न छोड़ा है जल छोड़ा है सांस भी बंद कर दिया, भगवान शिव प्रकट हुए, चलिए मेरे साथ में श्रीलंका में। देवताओं ने सोचा ये श्रीलंका में ले जाएगा, बाकी
देवतों को देवताओं को बंदी बनाए, इनको बना देगा। ये रावण भरोसा पात्र प्राणी नहीं है। उन्होंने भगवान शिव के अंदर में प्रेरणा की, प्रभु आप व्यक्ति से मत जाओ, चिन्ह शिवलिंग दे दो। भगवान भूतनाथ ने रावण को एक शिवलिंग दिया और कहा इसको संभाल करके लेके जाओ, रास्ते में कहीं पर भी रखना नहीं, रख दिया तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा, श्रीलंका नहीं जाऊंगा। वो जा रहा था, शिव लीला से प्रभु की माया से उसको प्राकृतिक लघु शंका का वेग हुआ, उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसने कुछ औषधियां एकत्रित करके उसके ऊपर शिवलिंग रखा। प्राकृतिक चेष्टा करने के बाद में हस्त प्रक्षालन पाद प्रक्षालन करके अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो वा गतोपि वा, ये भगवान का नाम स्मरण करके लिंग को उठाए, मगर उठाए नहीं। जो वहां पर रह गए वह वैद्यनाथ ऐसे कहलाते हैं। वो हमारा नवमा ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहते हैं, जो दान करो, हवन करो, तप करो, देव पूजन करो, पितरों का श्राद्ध करो, ये तमाम है, फिर भी वैद्यनाथ की पूजा करो, वो सर्वसे श्रेष्ठ होती है, ऐसा कहा गया है। आइए वाणी को विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे। आगे हमारे जो नागेश्वर है दारुकावन के, रामेश्वर है, घुष्मेश्वर है, इन तमाम की कथा भी सुनेंगे। यहाँ वाणी को विराम देते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो। भूमि मंगलम गगन मंगलम गगन मंगलम सूर्य मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम चंद्र मंगलम वायु मंगलम अग्नि मंगलम जीव मंगलम जगत मंगलम मनोमंगलम आत्ममंगलम सर्व मंगलम सर्व मंगलम सर्व मंगलम सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पताये हर हर महा